बरेली में एक गैस एजेंसी पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पोर्टल को हैक करके गैस एजेंसी पर लाखों का चूना लगा दिया और धनराशि अपने खाते में जमा कर लिए। मनीषा गैस एजेंसी के मालिक अमन गुप्ता पुत्र कृष्णलाल निवासी राजीव नगर पीलीभीत बाईपास रोड बरेली ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उनके एक कर्मचारी दीपक ने उनके साथ जालसाजी करके इंडियन ऑयल के पोर्टल को हैक करके मनीषा गैस एजेंसी के ऑनलाइन पेमेंट को अपने खाते में डालकर गबन कर लिया है। एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम दीपक है, जो निवासी संजय नगर थाना बारादरी का है। ये एक मनीषा गैस एजेंसी थी जिसका ये पूर्व एम्प्लॉय है, और एक वादी हैं अमन गुप्ता। उनकी तहरीर प्राप्त हुई कि उनकी जो दुकान है पीलीभीत बाईपास रोड पर, उनकी एक इंडियन ऑयल गैस एजेंसी की एजेंसी है, जिसमें वो ऑनलाइन जो पेमेंट है एक पोर्टल के माध्यम से लेते हैं। इस पोर्टल की कुछ विशिष्ट आईडी और पासवर्ड होती है अलग, तो इस व्यक्ति ने उस पासवर्ड को हैक करके इसके जो पेमेंट होते हैं पेमेंट पोर्टल को हैक करके कहीं लाखों रुपए का गबन किया है। जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पे, तो उसमें 420 406 का मुकदमा 14 सितंबर को लिखा गया था। 66 आईटी एक्ट में भी लिखा गया था। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी थाना सिरौली से हुई है और कोतवाली में ये मुकदमा पंजीकृत था। सर, पूछताछ में क्या बताया, कहाँ से इसको आईडिया आया, कैसे इसे ठगी को जा रही? क्योंकि ये पूर्व एम्प्लॉय था और इसी तरह की एजेंसी में काम करता था, तो उसको इसका आइडिया था कि डिस्ट्रीब्यूटर के लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड किस तरह से काम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि तमाम सीसीटीवी के पासवर्ड और यूज़र नेम जनरली सेम रहते हैं, तो उसको इस चीज़ का आइडिया था। चूँकि पूर्व एम्प्लॉय रह चुका है, तो इस जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए उसने उसके पोर्टल को हैक किया और इस तरह से काफ़ी इसने ऑर्डर भी प्लेस किए गैस सिलेंडर के, और जो पैसा था अपने खाते में ले लिया। ये इसका मॉडस ऑपरेंडी रहता है। तो ये एक तरह से 406 420 का टिपिकल मामला है, ठगी का मामला है, ऑनलाइन ठगी का मामला। बट सर, आपराधिक इतिहास इससे पहले भी कोई ठगी की है? आपराधिक इतिहास इसका कोई नहीं है, आपराधिक इसका कोई नहीं, इसके लिए बात करेंगे पुरस्कृत खंड। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।